Send me pieces up back together now. What's your vision? हेलो एंड वेलकम गाइस, यू आर वाचिंग इंडियन टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट, आप सभी का दोस्त उज्जवल सिंगल। एंड गाइस, आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक जिससे आप एमएक्स प्लेयर के सभी एड्स को बंद कर सकते हैं, फिर चाहे वो कैसा भी कोई भी एड हो। आपको आपकी एमएक्स प्लेयर की एप्लीकेशन में कोई भी एड शो नहीं होगा। बस गाइस, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और थोड़े से ध्यान से देखिएगा, और जो जो स्टेप्स मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूं उन सभी को वैसे ही फॉलो करिएगा। दैट्स ऑल, आपकी एमएक्स प्लेयर की एप्लीकेशन में कोई भी एड आपको शो नहीं होगा। तो चलिए गाइस, अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐसा लिंक देखने को मिल जाएगा। जब आप उस लिंक के ऊपर टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वो आपके मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, जिस भी ब्राउजर में आप उसको ओपन करना चाहते होंगे या आपने उसको ओपन किया होगा। यहां पर जब गाइस आप उसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पर गाइस आपको देखिए, अगर कोई ऐसी नोटिफिकेशन शो होती है तो आपको डिनाई के ऊपर टैप करना है, और अगर एक एड ओपन हो जाता है तो आपको अपने मोबाइल में बैक बटन को प्रेस कर देना है और अगेन यहां पर आकर डिनाई के ऊपर टैप करना है। अब गाइस यहां पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जब आप यहां पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आपको लिखा हुआ शो होगा आई एम नॉट अ रोबोट। आपको इसके आगे एक बॉक्स बना हुआ शो हो रहा होगा, आपको सिंपल उसके ऊपर टैप करना है। जब आप यहां पे गाइस इसके ऊपर टैप करते हैं तो आपको एक कैप्चा सॉल्व करने के लिए बोलेगा, तो आपको जल्दी से उस कैप्चा को सॉल्व कर लेना है। एंड गाइस, जब आप कैप्चा को सॉल्व करते हैं और एक एड ओपन हो जाता है तो आपको अगेन अपने मोबाइल में बैक बटन को प्रेस करना है और उस एड को कट कर देना है। बहुत ही सिंपल, ठीक है। आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है, ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद जब आप यहां पे इस कैप्चा को वेरीफाई करेंगे तो ये जो आपका कैप्चा होगा वो सॉल्व हो जाएगा, अगर आपने उसको सही तरीके से फिल किया होगा तो। एंड यहां पर आपका एक राइट का निशान बना हुआ शो हो जाएगा, चेक मार्क बन जाएगा। उसके बाद आपको गाइस देखिए नीचे की तरफ क्लिक हेयर के नीचे अगर आप देखते हैं तो आपको कंटिन्यू बटन शो होता है। आपको गाइस इस कंटिन्यू के बटन के ऊपर टैप करना है। जब आप यहां पे इस बटन के ऊपर टैप करते हैं तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा एक नेक्स्ट पेज पर, जहां पर आपको देखिए लिखा हुआ शो होगा योर लिंक इज ऑलमोस्ट रेडी। एंड यहां पर एक 10 सेकंड की कुछ टाइमिंग चल रही होगी, एंड जब तक ये टाइमिंग जीरो नहीं हो जाती है जब तक आपको यहां पर वेट करना है। अब गाइस आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो टाइमिंग है वो ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो गई है, और जब ये बिल्कुल जीरो हो जाएगी, अब देखिए यहां पे ये जीरो हो चुकी है, तो मुझे नीचे की तरफ गेट लिंक का एक ऑप्शन शो हो चुका है। यहां पर गाइस जब आपको गेट लिंक का ऑप्शन शो हो जाए आपको सिंपल इसके ऊपर टैप करना है। जब आप यहां पे गाइस इसके ऊपर टैप करते हैं तो एक एड ओपन हो जाएगा, आपको अपने मोबाइल में एक बैक बटन को प्रेस करना है और उस एड को कट कर देना है, और आपको देखने को मिलेगा कि आप ऑलरेडी मीघा की वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैं रीडायरेक्ट हो रहा हूं, सेम टू सेम डिटो इसी तरीके से, ओके। एंड गाइस यहां पर आपको एक ऐप देखने को मिल जाएगा जिसका साइज है 21.9 MB। तो आपको इसको डाउनलोड के बटन के ऊपर टैप करना है और अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है, ओके। यहां पे जब आप डाउनलोड के बटन के ऊपर टैप करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एप्लीकेशन है वो आपके फोन के अंदर डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। यहां पर आप देखिए ये 0% है, ऐसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ये 100 तक पहुंच जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल फोन में बहुत ही आसानी से, ओके। तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस APK को अपने फोन में। सो गाइस, जब ये एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको इसको ओपन कर लेना है सिंपल इसके ऊपर टैप करके। सो गाइस, जब आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर ओपन करते हैं तो आपको कुछ परमिशंस देनी पड़ती हैं, तो यहां पे आप अलाउ के ऊपर टैप कर दीजिएगा। एंड गाइस यहां पर देखिए आपको ये फीचर्स बताएगा, इसके अंदर जो जो फीचर्स आपको मिलते हैं तो आप यहां पे उनको देख लीजिएगा। एंड यहां पे गाइस आप देख सकते हैं ये आपको अभी भी फीचर्स बता रहा है। जब आपको यहां पे ये सारे फीचर्स बता दे तो आपको देखिए ओके का एक बटन शो होगा, आपको सिंपल इसके ऊपर टैप कर देना है। यहां पर गाइस देन आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहां पे आप गाइस देख सकते हैं कि आपको कोई भी एड शो नहीं होगा, फिर चाहे आप यहां पे देख लीजिए आपको कोई एड शो नहीं होगा, या फिर अगर आप अपने किसी फोल्डर में जाएंगे तो वहां पर भी आपको कोई एड शो नहीं होगा, आप यहां पे देख सकते हैं। एंड गाइस जब आप कोई वीडियो प्ले करेंगे और उसको पॉज करेंगे उस वक्त भी आपको कोई एड शो नहीं होगा। सो गाइस, ये जो एप्लीकेशन मैंने आपको दी है ये बिल्कुल एड फ्री एप्लीकेशन है, इसके अंदर आपको कोई भी एड शो नहीं होगा। साथ ही साथ गाइस इस एप्लीकेशन की मदद से आप ऑनलाइन कंटेंट को भी एक्सेस कर पाएंगे, फिर चाहे वो वीडियोस हो, आप यहां पर सारी वीडियोस देख सकते हैं, सारी वेब सीरीज आप यहां पे देख सकते हैं, आप सारा ऑनलाइन कंटेंट को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। उसके बाद आप गाइस यहां पे आप म्यूजिक की कैटेगरी पे जाके यहां पर म्यूजिक भी सुन सकते हैं। एंड गाइस यहां पर आपको फोर्थ कैटेगरी देखने को मिलती है मी की, यहां पर ये आपसे लॉगिन करने के लिए कहता है आपके फेसबुक अकाउंट से। तो यहां पर आप मेरी एक बात को ध्यान से सुन लीजिए
कि आप इसके अंदर लॉग इन मत करिएगा। अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो फीचर्स इस ऐप के अंदर हैं वो वर्क ना करें। ओके, तो वैसे भी आपको कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो यहां पर आप इसके अंदर लॉग इन मत कीजिएगा, या फिर आप करके देख लीजिएगा एक बार लॉग इन। अगर ये सारे आपके फीचर्स ऐसे ही रहते हैं, आपको कोई ऐड शो नहीं होता है, तब तो आप इसके अंदर लॉग इन कर लीजिए और लॉग इन करके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर यहाँ पे एड्स शुरू होने लग जाते हैं तो यहाँ पे आप गाइस उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपके ये सारे फीचर्स यहाँ पर वापस आ जाएंगे। ओके, एंड इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको एमएक्स प्लेयर प्रो को परचेज करने की या फिर उसका कोई मोड वर्जन यूज करने की अपने एंड्रॉइड मोबाइल में बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो गाइस, आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के जस्ट नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, दबा दो यार उसको और सब्सक्राइब कर दो मेरे यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आप ऐसी ही और वीडियोज देखते रहें और मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोज बनाता रहूं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए यूट्यूब चैनल इंडियन टेक एजुकेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।